माननीय जगजीत सिंह जी, वसंतराव जी तांबे, विजय गिरकर जी उपस्थित, सन्मान्य नागरिक बंधुगण, माताएं, आप सब लोग समझ सकते होंगे कि आज के इस अवसर पर जिसका परम पूजनीय बाला साहब के साथ कई दशकों तक घनिष्ठ संबंध रहा, ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी बोलना कितना कठिन है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। शायद यदि किसी को कल्पना न होगी तो अपने भावनाओं के बारे में हमारे माननीय जगजीत सिंह जी ने जो बताया कि प्रकट करना बहुत कठिन हो जाता है, उसी का अनुभव मैं कर रहा हूं। जैसे कहा गया, खामोश गुफ्तगो है आज बेजबा है जबा मेरी। हम में से बहुत सारे लोगों की अवस्था इस समय ऐसी ही होगी ऐसा मैं समझता हूँ, किंतु एक कर्तव्य के नाते इस समय पर कुछ बोलना है, इसी नाते मैं बोलने का साहस कर रहा हूँ। यह मासिक स्मृति दिन मनाया जा रहा है। माननीय सरकारें वह श्री शेषाद्री जी के आदेश के अनुसार सामाजिक समरसता दिन इस नाते इसको हम मना रहे। बाला साहब का पूरा जीवन हमारे सामने है। His life was an open book. कई नेताओं का जीवन इतना ओपन बुक नहीं रहता, बाला साहब का ओपन बुक ऐसा जीवन रहा। और जीवन के अंतिम चरण में विकलांग अवस्था के कारण उनको कितनी असुविधा बर्दाश्त करनी पड़ी, कष्ट बर्दाश्त करने पड़े, हम में से बहुत लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी उनका दर्शन करते हुए यह आंखों से देखा है। कई वर्ष तक वे विकलांग थे, किंतु इसके कारण एक भ्रांति जिन्होंने नजदीक से उनको देखा ने उनके मन में रही कि विकलांग है, इनवैलिड है, अब कुछ काम धाम नहीं कर सकते, निरुपयोगी हो गए, ऐसी एक भ्रांति अपरिचित लोगों के मन में हो सकती थी, वह गलत थी। भीष्म पितामह शरशय्या पर थे, हलचल नहीं कर सकते थे, किंतु उस अवस्था में भी युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण को पूछा कि धर्म और अधर्म इसका निर्णय मैं कर लेना चाहता हूं, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय करने के लिए अधिकारी पुरुष भीष्म पितामह ही है, मैं तुमको उनके पास ले जाता हूं। ठीक यही अवस्था शरशय्या पर जब बाला साहब थे, हलचल नहीं कर सकते थे, तो भी सभी को मार्गदर्शन करना, सलाह देना, सभी की बातें सुनना, यह सारा कार्य उनका चल रहा था। शरीर विकल था, बुद्धि विकल नहीं थी, ये विशेषता थी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मेमोरी सब इंटैक्ट था, और इसके कारण कोई भी समस्या लेकर भी जाता था तो उसका उचित मार्गदर्शन करते थे। कोई भी मिलने के लिए आया तो उसको ठीक ढंग से पहचानते थे, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके शाखा के बारे में उसको पूछते थे। सारे समाचार पत्र जो ही उपलब्ध थे हर दिन पढ़वा लेते थे। टीवी पर अत्याधुनिक समाचार क्या है यह भी बारीकी से देखते थे। राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्र में क्या हो रहा इसका उनका निरीक्षण बराबर चलता था। शार्प इंटेलेक्ट, शार्प मेमोरी आखिर तक थी, बिल्कुल अंतिम चरण तक ये उनकी थी। और इसके कारण सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या उथल पुथल हो रही, सामाजिक क्षेत्र में क्या गलत बातें हो रही, सभी बातों का उनका निरीक्षण रहता था। और इस दृष्टि से
मार्गदर्शन के नाते भीष्म पितामह के समान उनकी भूमिका हमेशा रहती थी। संघ के कार्यकर्ता इतना ही नहीं तो स्वयं सेवकों के द्वारा चलाई गई विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन का काम उस विकलांग अवस्था में भी उन्होंने किया, यह एक उल्लेखनीय बात है। उनकी सारी उत्कट भावनाएं एक स्वयं सेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते, सरसंघ चालक के नाते उस विकलांग अवस्था में भी यथापूर्व कायम थी। वो हमेशा सभी स्वयंसेवकों की ओर अपने पुत्र के समान देखते थे, पितृतुल्य भावना उनके मन में थी। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि भाई इसकी मृत्यु हुई तो उनको बड़ा शोक हुआ, उसकी मृत्यु उनको बड़ा शोक हुआ, ऐसा नहीं। स्वयंसेवकों पर कोई भी आपत्ति आती है तो उनका दिल दर्द करता था, और इसलिए सबको आश्चर्य हुआ कि जिस समय कार्यालय के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी व्हील चेयर पर भी कठिन लगता था, ऐसे समय जब उन्होंने पढ़ा कि मद्रास में अपने कार्यालय में संघ के बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हमारे कुछ स्वयंसेवक हत और आहत हुए हैं, उनको रहा नहीं गया, और आखिरी में डॉक्टर के एडवाइस के विरुद्ध जाते हुए, हर तरह की रिस्क लेते हुए वो उस अवस्था में भी मद्रास गए। जो मृत्यु जिनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे सब लोगों के परिवारजनों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिले, जो आहत हुए थे, घायल हुए थे, उनको सांत्वना दी, फिर वापस आए। ऐसी अवस्था में कि जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी उनके लिए कठिन था, इतना साहस उन्होंने किया, इतनी ताकत उन्होंने जुटाई, तो सभी स्वयंसेवकों के बारे में कितना प्रेम, एकात्मता उनके मन में थी, पितृतुल्य, ये विकलांग अवस्था में भी उसका दर्शन हम लोगों ने किया। जीवित अवस्था में उन्होंने जो कार्य किया वह हमारे सामने है, लेकिन विशेष रूप से मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया कि बहुत लोगों के मन में मैंने यह भ्रांति देखी कि एक बार विकलांग होने के बाद कार्य के लिए उनका योगदान नहीं रहा, ऐसी बात नहीं थी, आखिर तक यह योगदान था, यह कहने की प्रमुख बात है। वैसे उनके जीवन के बारे में पिछले एक मास में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, इसके कारण कोई बात नहीं बताने लायक है ऐसा मैं नहीं समझता। देवरस परिवार आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का नहीं है, आंध्र प्रदेश से चंद्रपुर के मार्ग से भाया चंद्रपुर कई परिवार, तेलुगु परिवार नागपुर में आए। हेडगेवार परिवार उसी में था, बापूजी अड़ी उसी में थे, बाल शास्त्री हरदास का परिवार था, कन्नमवार का परिवार था, कई तेलुगु परिवार भाया चंद्रपुर नागपुर में आए, उसी में से देवरस जी का परिवार था। उनका पहला नाम देवराजू ऐसा था, नागपुर में स्थायी होने के बाद फिर देवराजू का मराठीकरण देवरस हो गया। आचार्य विनोबा भावे जो शाब्दिक श्लेष करने में चतुर थे, वो हम लोगों को कहते थे कि भाई देवरस का अर्थ तुम नहीं समझे, सभी देवताओं का रस निकाल कर जो तैयार हुआ वह तुम्हारा देवरस है, ऐसा आचार्य विनोबा भावे शाब्दिक श्लेष करते थे। उनके पिताजी बहुत धार्मिक थे, कर्मठ थे, नागपुर में मोती बाबा जामदार करके श्रेष्ठ संत थे, जिनको दत्तावतार कहा जाता था, उनके भक्त थे। उनकी माताजी वह भी बड़ी धार्मिक थी, और प्रमुख बात कि वह बहुत कर्मठ और एक तरह से व्रती, उनको कहना यह ठीक होगा, ऐसा उनका व्यवहार था। परिवार में सबसे गृहिणी के नाते उनको ही सब काम करने पड़ते थे, किंतु किसी शारीरिक न्यून के कारण कहिए या बीमारी के कारण मेडिकल एडवाइस था कि उन्होंने केवल छाछ पर जीवित रहना और कुछ लेना ही नहीं,
केवल छांच, दिन में सुबह रात को केवल छांच। तो जीवन का आधे से अधिक हिस्सा बाड़ा साहब के माता जी ने केवल छांच पीकर बिताया, और उसी अवस्था में घर का भी सारा काम करती थी। और हम बच्चे थे तो हम लोगों को आश्चर्य होता था कि इधर पूरनपोड़ी बड़ा ऐसे सारे भोजन के पदार्थ वो बनाती थी, सब लोगों को परोसती थी, स्वयं केवल छांच पीकर वो रहती थी। इसमें उनका जो संयम है, व्रती जीवन है, इसका परिचय उस समय भी हम लोगों को होता था। ऐसा उनका माता जी का स्वभाव था। बाड़ा साहब के मन में माता जी के बारे में बहुत ही प्रेम आदर ऐसा था। आखिरी बीमारी में उन्होंने अपने माता जी की बक्सा, माता जी का फोटो, उनका जो गांव है आम गांव कारंजा, वहां से मंगवाया था। और इसका कारण बाड़ा साहब के जीवन में माता जी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सूझबूझ आने के बाद या सूझबूझ आते ही बाड़ा साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रविष्ट हुए, और उन्होंने संघ के वायुमंडल के अनुकूल माता जी से कहा कि मेरे साथ भोजन के लिए सभी जाति के लोग आएंगे, दलित भी आएंगे। उस समय मैं ये नहीं सुनूंगा कि ये दलित है तो मेरे रसोई घर में रोटी नहीं खा सकता, मेरे साथ बैठकर वो रोटी खाएंगे, रसोई घर में रोटी खाएंगे। माता जी ने कहा मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं। उन दिनों में आप कल्पना कीजिए, जब वो बाल स्वयंसेवक थे, उन दिनों में ऑर्थोडॉक्सी इतनी प्रबल थी कि जहां माता पिता दोनों बहुत कर्मठ, वहां यह बाल स्वयंसेवक आग्रह करता है कि मेरे दलित स्वयंसेवक बंधु भी मेरे साथ आएंगे, रसोई घर में खाना खाएंगे, बाहर नहीं। तो माता जी ने वो बात स्वीकार कर ली। यह एक अनोखी बात उन दिनों में मानी गई थी। सामाजिक समता परिषद, सामाजिक समरसता मंच आदि बातें तो अभी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उनके बाल्यावस्था से ही यह सामाजिक समरसता का प्रारंभ उनके रसोई घर से उन्होंने किया था, और माता जी के सहयोग के कारण यह हो सका। इस तरह के माता जी भगवान की दया से उनके लिए उपलब्ध थी, यह हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। जब से सूझबूझ आई शाखा में शामिल हुए, कुश पथक, यह बाल स्वयंसेवकों का पथक उन दिनों में बहुत ही प्रसिद्ध था। परम पूजनीय डॉक्टर जी का विशेष ध्यान कुश पथक के स्वयंसेवकों पर रहता था। बहुत आशाएं उन्होंने लगाई थी, और कुश पथक में से भी वैसे ही स्वयंसेवक निर्माण हुए, कार्यकर्ता निर्माण हुए, जिन्होंने डॉक्टर साहब की आशा फलीभूत करने का प्रयास किया। वहां से धीरे धीरे संघ के कार्य में उनकी प्रगति हुई। अब संघ के बारे में आप जानते हैं कि संघ में हर एक को रगड़ में से जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कोई एकदम अच्छा लच्छेदार भाषण देता है तो उसको बड़ा अधिकारी बना दो, ऐसा नहीं होता। जो संघ की रगड़ है, स्वयंसेवक, घटनायक, शिक्षक, मुख्य शिक्षक, प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, या कार्यवाह, जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह, एक रगड़ में से हर एक को जाना पड़ता है। तो सभी तरह के काम करते करते उन्होंने संघ कार्य में प्रगति की। जिस विभाग में उनका जन्म हुआ, उनका मकान जिस विभाग में था, वह विभाग पुराने नागपुर में था। नागपुर के हम दो हिस्से उन दिनों में मानते थे, जो ब्रिज है, ब्रिज के उधर का नागपुर यानी मॉडर्न, इधर का यानी पुराना। तो पुराने नागपुर में ही उनका मकान था, और इसके कारण तथा कथित पिछड़ी जातियां, तथा कथित दलित जातियां, ऐसे लोग सारे उनके अगल बगल में ही रहते थे। तो सारा वायुमंडल उनका ऐसा था। शाखा पर भी दलित और पिछड़े लोगों की संख्या अच्छी रहती थी। उनको सबको लेना, संभालना, संस्कार देना, यह काम करना पड़ता था, और वो भाषण से नहीं करते थे। अब संघ कार्य के बारे में आप जानते हैं कि संघ स्थान पर आना पड़ता है। संघ स्थान कहाँ मिलेगा? पहला ही संघ स्थान बाड़ा साहब को ऐसा मिला
कि एक टूटा हुआ मकान खंडहर, उसके सामने मैदान ऐसा ही पड़ा था, कोई उपयोग में नहीं लाता था। और चूंकि वह खंडहर था तो सुबह शाम को लोग प्रातर विधि के लिए उसका उपयोग करते थे, जिसके कारण वहां गंदगी रहती थी। वहां शाखा लगाने का सोचा तो वो गंदगी दूर करने का काम पहले करना पड़ा, और दूसरे लोगों को कहने के पहले स्वयं बाड़ा साहब सामने हो गए और उन्होंने वो गंदगी अपने हाथ से उठाई, बाकी फिर सदस्यों ने वो काम किया। तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे कामों से लेकर, तो सबके साथ खेलना, कबड्डी बहुत अच्छा खेलते थे, सबके साथ खेलना, एक स्पिरिट सभी लोगों में रह सके इस तरह से शाखा चलाना, होते होते नागपुर कार्यवाह तक उनकी प्रगति हुई। और नागपुर कार्यवाह के नाते जितने ही कार्य आवश्यक थे वो बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से उन्होंने किए, विभिन्न शाखाओं से संबंध, हर एक कार्यकर्ता को बराबर देखना, कौन कार्यकर्ता है, कैसा है, किसका स्वभाव क्या है, दोनों के परस्पर इक्वेशन कैसे है, यह सारा देखना, कार्यकर्ताओं को संस्कारित करना, और विशेष बात कि जो सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे संघ शिक्षा वर्ग है उसकी व्यवस्था, शीत शिविर है उसकी व्यवस्था, और उन दिनों में शीत शिविर की व्यवस्था यानी सारे शारीरिक कार्य स्वयं स्वयं सेवकों ने ही करने हैं, इस तरह की व्यवस्था थी। बिल्कुल तंबू ठोकने से लेकर, कील ठोकने से लेकर सभी काम स्वयं सेवक करते थे, और उसमें पहल करने का काम बाड़ा साहब करते थे, जिसके कारण बाकी लोगों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता था। तो इस तरह के सभी कार्य नागपुर कार्यवाह के नाते उन्होंने किए। इतना ही नहीं तो कार्यवाह तो नागपुर के थे, लेकिन नागपुर यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्र है, उसकी एक विशेष जिम्मेवारी है, ऐसा परम पूजनीय डॉक्टर जी कहते थे। उसके अनुसार नागपुर में रहते हुए बाकी देश में प्रचार कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रचारक के नाते निकालना, यह महत्वपूर्ण कार्य अच्छी संख्या में बाड़ा साहब ने किया। और नागपुर के बाहर भी जब संघ शिक्षा वर्ग शुरू हुए, तब वहां प्रारंभिक दिनों में मुख्य शिक्षक भेजना वह भी नागपुर से पहले भेजे जाते थे। अब तो स्वयं पूर्णता हर जगह आई है, किंतु उस समय नागपुर से ही भेजे जाते थे। तो संघ शिक्षा वर्गों में मुख्य शिक्षक शिक्षकों को भेजना और प्रचारक के रूप में काम करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, इस तरह से नागपुर में ही रहते हुए संपूर्ण देश में कैसे यह वटवृक्ष फैलेगा, इसके लिए परिश्रम करना, यह उनका काम रहा है। डॉक्टर जी के समय ही परम पूजनीय श्री गुरु जी का प्रवेश हुआ, और ऐसा दिखता है कि डॉक्टर जी के मन में गुरु जी और बाड़ा साहब इनके बारे में कुछ विशेष इक्वेशन होगा। जैसे 1939 में कलकत्ता में संघ कार्य शुरू करने के लिए श्री गुरु जी को भेजा गया, और थोड़े ही दिन के बाद उनके सहायक के नाते बाड़ा साहब को भी भेजा गया। तो दोनों के विषय में कुछ विशेष भावना डॉक्टर जी के मन में थी, ऐसा स्पष्ट दिखता है। और यह भावना, इसका अनुभव दोनों करते थे, और इसके कारण दोनों की जो परस्पर विषय भावनाएं थी ये बहुत ध्यान में रखने लायक थी। गुरु जी सरसंघचालक हो गए, बाड़ा साहब कभी नागपुर कार्यवाह थे, कभी सह सर कार्यवाह थे, बाद में कार्यवाह सह सर कार्यवाह हुए, लेकिन पहले नागपुर कार्यवाह और सह सर कार्यवाही थे। उस समय भी बाड़ा साहब का जब उल्लेख होता था तो गुरु जी कहते थे कि जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी को देखा नहीं, उन्होंने बाड़ा साहब को देख लेना चाहिए, तो फिर उनके ख्याल में आएगा कि डॉक्टर जी कैसे थे। एक समय गुरु जी तांगे में जा रहे, उनके सामने रास्ता ये करने के लिए बाड़ा साहब सामने चल रहे, स्वाभाविक रूप से गुरु जी के मुख से निकला कि असली सरसंघ चालक तो पैदल रास्ते से चल रहे है, नकली सरसंघ चालक हम तांगे में बैठ कर जा रहे, मजाक में, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से शब्द निकला। एक समय उन्होंने कहा कि संघ के संविधान में एक ही समय दो सरसंघ चालकों की नियुक्ति करने के लिए गुंजाइश नहीं, यदि होती तो फिर
शायद आज की अवस्था न होती, दो सरसंघ चालक एकदम नहीं नियुक्त हो सकते, इसलिए मैं सरसंघ चालक हूं और ये सर कार्यवाह है। माने कितनी भावना गुरु जी के मन में उनके बारे में थी यह हम देख सकते हैं। उनकी भी भावना गुरु जी के विषय में जो थी वह भी देखने योग्य है। मासिक श्राद्ध के समय सरसंघ चालक पद ग्रहण करते समय उनका जो भाषण हुआ, उन्होंने वर्णन करते हुए कहा, उनके वाक्य थे कि अंडर गुरुजीज बिनाइन लीडरशिप आई वॉज फंक्शनिंग एज ए मैनेजर। यानी गुरुजी उनको इतना ऊंचा पद देते थे, ये कह रहे थे कि अंडर गुरुजीज बिनाइन लीडरशिप आई वॉज फंक्शनिंग एज ए मैनेजर। और वास्तव में मैनेजर के नाते, एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, ऑर्गेनाइजर के नाते उनकी जो क्षमता थी वह विशेष थी ही, किंतु परस्पर संबंध कैसे थे यह एक देखने की बात है। हम जानते हैं कि विविध कार्य स्वयंसेवकों के द्वारा चलाए गए, प्रायः गुरु जी के कालखंड में ही शुरू हुए, बाद में भी कुछ शुरू हुए और भी शुरू होंगे, वो चलेगा क्रम, क्योंकि यह तो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। 1925 विजयादशमी के पूर्व ही परम पूजनीय डॉक्टर जी ने संपूर्ण राष्ट्र पुनर्निर्माण की जो योजना बनाई थी, किंतु जिसको प्रकाशित नहीं किया, जो उनकी पद्धति थी, आजकल तो पद्धति नहीं है कि भाई एकदम पांच लोग भी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं तो मैनिफेस्टो पब्लिश करते हैं कि हम दुनिया की सूर्य शक्ल कैसे सुधारने वाले हैं, ब्रह्मांड की सूर्य शक्ल कैसे दुरुस्त करने वाले हैं। डॉक्टर जी की कार्यशैली दूसरी थी। रघुवंश के राजाओं के बारे में कहा गया कि फलानुमेय प्रारंभ, माने वो किसी भी बड़े काम का प्रारंभ करते थे तो पहले शोरगुल नहीं मचाते थे, उसकी एडवर्टीजमेंट प्रोपेगांडा नहीं करते थे, शांत चित्त से कार्य का प्रारंभ कर देते थे। जब कार्य को फल आता था तो फलानुमेय प्रारंभ, लोग अनुमान लगा सकते थे कि चूंकि फल आया है तो इसका बीजारोपण कभी न कभी हुआ होगा, इस तरह से काम करने की शैली डॉक्टर जी की थी। इसके कारण तरह तरह के सारी योजनाएं उनके मन में होती रहती थी, तो भी उन्होंने इस तरह का मैनिफेस्टो नहीं दिया, किंतु आज जितना हम देखते हैं मूल योजना का ही यह प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है, उत्तरोत्तर होने वाला यह प्रस्फुटीकरण है, तो तरह तरह की संस्थाएं जो निर्माण हो रही। अब इसमें गुरु जी और बाला साहब का ऐसा कुछ ज्वाइंट था, उदाहरण के लिए के दादा साहब आपटे बहुत साल यूपी, उस समय यूनाइटेड प्रेस करके था, बाद में उसको यूएनआई बनाया गया, उसमें उन्होंने काम किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है, यह सभी क्षेत्र में जाने का है, यह पहले ही सोचा गया था। संघ कुछ नहीं करेगा, संघ के स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे, संघ केवल संपर्क, स्वयंसेवक, संगठन यहीं तक अपना सीमा रखेगा, लेकिन संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और वहां संघ के आदर्शों के अनुकूल कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे। यह विजयादशमी 1925 से सोचा गया था, उसके अनुसार जैसे जैसे संघ की शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे अन्य अन्य क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू हुआ। तो दादा साहब आपटे की कुछ अप्रेंटिसशिप यूनाइटेड प्रेस में हुई थी, उनके साथ गुरु जी की बातचीत हुई कि अपने भी देशी भाषाओं को लेकर न्यूज एजेंसी होनी चाहिए, हिंदुस्तान समाचार का विचार हुआ। जैसे वो विचार तय हुआ तो उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करना, इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन कौन है, उनको लोकेट करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी टीम बनाना। दादा साहब आपटे थे, नारायण राव तरटे, बापूराव महाशब्दे, बापूराव लीले, जी आर माधवराव, वसंतराव देशपांडे और आखिर तक जिन्होंने चलाया वो बालेश्वर जी अग्रवाल, ये सारी जो टीम बनी वो बनाने का काम बाला साहब ने किया। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम, प्रेरणा गुरु जी की थी। बाला साहब देशपांडे जशपुर नगर में वकालत करते थे, उनको वनवासियों में काम करने की प्रेरणा दी, किंतु जैसे वो काम बढ़ा और केवल जशपुर क्षेत्र तक सीमित था
तो फिर उसको अखिल भारतीय स्वरूप देना चाहिए, यह प्रेरणा बाला साहब ने दी। और उनका अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिए, इसके लिए जो जो सहायता संघ की ओर से होनी चाहिए थी वह सारी देने की व्यवस्था की। और उस कार्य से इतनी एकात्मता थी, जैसे मैंने मद्रास का उदाहरण दिया, एक बड़े सम्मेलन की योजना वनवासी कल्याण आश्रम की एक बिहार के गुमला में और एक बस्तर में ऐसी हो गई। सम्मेलन की योजना हुई, उस समय बाला साहब की तबीयत ठीक थी। योजना होने के बाद प्रत्यक्ष समय आया, उसके पहले बाला साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनके लिए चलना फिरना असंभव था। फिर भी आग्रह पूर्वक लोगों का विरोध न मानते हुए और आग्रह पूर्वक गुमला में और बस्तर में वो स्वयं गए। वनवासी लोगों ने देखा कि कितने कष्ट उठाते हुए सरसंघ चालक हमारे बीच में आ रहे हैं, एक कृतज्ञता का भाव उनके मन में था। तो गुरुजी योजना बनाना, जनरल मार्गदर्शन क्रियान्वित करने का काम इनका, इसी तरह का ये चलता था। विशेष रूप से हम जानते हैं कि संघ कार्य में हमेशा एक समस्या रहती है, आगे भी रहेगी। वह समस्या यह है कि जहां हम कहते हैं और वह सच भी है कि संघ कार्य परिस्थिति निरपेक्ष है, यह सच है, संघ कार्य परिस्थिति निरपेक्ष है, किंतु स्वयं सेवक का मन यह परिस्थिति सापेक्ष रहना ही है। संघ कार्य परिस्थिति निरपेक्ष है, लेकिन स्वयं सेवक का मन परिस्थिति सापेक्ष है, और इसके कारण बाह्य परिस्थिति का परिणाम कम अधिक मात्रा में विभिन्न लोगों पर होता रहता है। इसके कारण स्वयं सेवकों की मानसिकता क्या है इसका ज्ञान केंद्र को रहना, केंद्र का विचार क्या है इसकी जानकारी स्वयं सेवक तक पहुंचना, यह टू वे कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक होता है। यह रास्ता बाला साहब ने खोला। मुझे स्मरण है कि पहला ही प्रयोग 1945 में, जिस समय बहुत खलबली स्वयं सेवकों के मन में थी, कई विचार थे, तरह तरह के विचार थे कार्य पद्धति के बारे में खासकर, तो उन्होंने नागपुर में जो राजा बादशाह मारुति करके है उसके प्रांगण में दिन भर का एक दिन का कार्यक्रम रखा। उस एक दिन में और कुछ नहीं, परम पूज्य ने गुरु जी ने बैठना, नागपुर के सब प्रमुख कार्यकर्ता वहां एकत्रित थे और उन्होंने मुक्त चिंतन करना, जो ही विचार हो गए, वहां संकोच की बात नहीं थी, आदर के मर्यादा के कारण कम बोलना ऐसी भी बात नहीं थी, जो जिसके मन में आएगा वो बोलेगा। पूरे दिन यह कार्यक्रम चला और फिर दूसरे सप्ताह में माननीय बाबा साहब घटाटे के यहाँ बैठक ली, वही लोग, और फिर जो जो बोला गया था उसके बारे में सहसंघ चालक के नाते क्या प्रतिक्रिया है वह गुरु जी ने उस समय प्रकट किया। यह जो टू वे कम्युनिकेशन की पद्धति है यह बाला साहब ने शुरू की और उसी का अधिक विस्तृत स्वरूप हम बाद में सिंधी के जिला प्रचारकों के वर्ग में, इंदौर के विभाग प्रचारकों के वर्ग में, थाना में जो नवंबर 72 में वर्ग हुआ उसमें इसी का विस्तृत स्वरूप हम देख सके। और इसके कारण किस तरह से केंद्र के मानस की जानकारी नीचे के स्वयंसेवक तक, नीचे के स्वयंसेवकता की मानसिकता केंद्र तक किस तरह पहुंचाने की व्यवस्था थी, यह कुशलता बाला साहब के योजना के कारण यह कुशलता हो सके। तरह तरह से बहुत बार अभी हमारे विजय गिरकर जी ने उल्लेख किया था कि लोग जानबूझकर गलत फहमी फैलाते, जैसे गुरु जी के समय कहते थे अरे डॉक्टर जी का संघ अलग था, गुरु जी का संघ अलग है। बाला साहब आगे कहा कि गुरु जी का संघ अलग था, बाला साहब का संघ अलग है। मैंने समझते दोनों को नहीं, लेकिन जानबूझकर कुछ तो भी बुद्धिभेद करने का प्रयास होता है। वो नहीं जानते कि कितने घनिष्ठ संबंध थे। आखिरी दिनों में बैन के समय द्वारका प्रसाद जी मिश्र, इनको जवाहरलाल जी ने नागपुर भेजा। गुरु जी शिवनी के जेल में थे, बाला साहब वगैरह लोग बाहर थे, उनके साथ मिश्र जी की बैठक हुई। मिश्र जी ने कहा कि जवाहरलाल जी ने तय किया है कि बैन उठाना है, केवल एक फॉर्मेलिटी के नाते एक पत्र गोलवलकर जी ने देना चाहिए नेहरू जी के नाम के बैन उठाइए। बाला साहब ने कहा नहीं,
इतने दिन हम हमारा अनुभव ऐसा है, इसके कारण आपके शब्द पर हमारा विश्वास नहीं, गुरु जी ऐसा कोई पत्र नहीं लिखने वाले। मिश्र जी ने कहा कि आप केवल पत्र लिखिए, बैन उठने वाला है, मैं आश्वासन देता हूं। बाड़ा साहब ने कहा कि नेहरू जी के नाम से गुरु जी ये आखिरी पत्र नहीं लिखेंगे। फिर मिश्र जी ने कॉम्प्रोमाइज निकाला कि गुरु जी ने नेहरू जी के नाम पर तो नहीं पत्र देना, किंतु मध्यस्थता करने वाले पंडित मोलू चंद्र जी शर्मा, इनको प्राइवेट लेटर के नाते लिखना और उसी के आधार पर फिर बैन उठाने का काम होगा। ऐसा ही हुआ। आखिरी जो पत्र था वो गुरु जी का नेहरू जी के नाम से नहीं था, प्राइवेट लेटर टू पंडित मूलचंद्र शर्मा था, उसी का एक आधार लेकर बैन उठाने का काम हुआ। किंतु ये जब मिश्र जी से बात हुई, गुरु जी तो सिवनी में थे, लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों का जाना आना नहीं था। किंतु जब मूलचंद्र शर्मा गए तो पत्र का कंटेंट सील बंद करके उनके पास दिया और उसी ने दिया कि इस पर आपने हस्ताक्षर करना चाहिए। बाड़ा साहब का जब ये देखा कि इस पर आपने हस्ताक्षर करना चाहिए, गुरु जी ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिया। वो प्राइवेट लेटर टू मूलचंद्र शर्मा, इसके आधार पर बाद में बैन हटाया गया। माने इतना विश्वास परस्पर, इनके परस्पर संबंधों के बारे में, खासकर जिन्होंने गलत फहमी फैलाना अपना धर्म माना है, कितनी बातें कही गई, कितनी आत्मीय था, इसका केवल एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, शायद बाहर के लोगों को इतना मालूम नहीं। बहुत ही मार्मिक ऐसा यह प्रसंग है। गांधी हत्या हुई, शासन ने जानबूझकर संघ के बारे में गलत फहमी फैलाई। जो राजनीतिक तत्व संघ को बदनाम करना चाहते थे उन्होंने उसका लाभ उठाया, जनता में एक क्षोभ पैदा किया गया। और फिर यह बात हुई कि एक आदमी की हत्या हुई, उसका बदला दूसरे आदमी की हत्या से होना चाहिए, खून का बदला खून से, हत्या का बदला हत्या से, ऐसा कहते हुए और ऐसे जो राजनेता थे वो बहुत बड़े मॉब को लेकर परम पूजनीय गुरु जी के मकान पर हमला करने के लिए आए। मकान छोटा था, बाड़ा साहब ने पहले से व्यवस्था की थी, मॉब आ रहा दिखा, 40 एक दंडधारी स्वयंसेवकों को अंदर रखा था, किंतु मॉब बहुत बड़ा था, इतने मॉब के सामने 40 दंडधारी स्वयंसेवक भी कुछ न कर पाते। इसलिए कई लोग ऊपर गुरु जी के पास जाकर कहते थे कि आप यहां से सुरक्षित बाहर चले जाइए, बड़ा मॉब है, यहां आप रहेंगे तो आपकी हत्या होगी। गुरु जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका यह है कि मैं जिस हिंदू समाज के लिए काम कर रहा हूं, वह हिंदू समाज यदि मुझे नहीं चाहता, मुझे मारना चाहता है तो वो मुझे मारे, जो हिंदू समाज की इच्छा होगी वही हो, मैं अपनी जान नहीं बचाऊंगा, यदि हिंदू समाज मेरी जान लेना चाहता है तो हटने के लिए तैयार नहीं। कई लोग गए उस अवधि में, हटने के लिए तैयार नहीं। बाहर मॉब इकट्ठा हुआ था, मकान छोटा था, दरोजा लकड़ी का था और वो भी लकड़ी पुरानी लकड़ी, ऐसा वो दरोजा था। आखिरी में दरोजे को धक्के लगाना भी लोगों ने शुरू किया। गुरु जी मानने के लिए तैयार नहीं थे, शायद उनके मन में यही भावना थी कि इस समय यहाँ आत्मार्पण करना यही सिद्धांत के अनुकूल है, ऐसा कुछ विचार होगा। आखिर में बाड़ा साहब गए और बाड़ा साहब ने उनको कहा कि आप हमारे सरसंघ चालक है, हम आपके स्वयंसेवक हैं, सरसंघ चालक के नाते आपके आदेश का पालन करना हमारा काम है, किंतु स्वयंसेवक का भी स्वयंसेवक के नाते आपके ऊपर कुछ अधिकार है और उस अधिकार के नाते मैं कहता हूं कि आपने यहां से सुरक्षित बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने के लिए रास्ता था, गुरु जी तैयार नहीं थे। मुझे इस समय बिल्कुल समानांतर घटना का स्मरण हो रहा, समानांतर घटना अपने इतिहास के। गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर के दुर्ग में, उसको दुर्ग क्या कहा जाए, कच्ची गढ़ी ही कहते थे, बहुत थोड़े लोगों के साथ थे, घेरे गए, मुगल सेना बहुत बड़ी थी, इतने बड़ी सेना के साथ एकदम लड़ना भी संभव नहीं था, किंतु जब
घेराव हुआ तो पहले उन्होंने अपना बड़ा पुत्र साहबजादा अजीत सिंह और बाद में दूसरा साहबजादा जुझार सिंह दोनों को 10-15 लोग देकर लड़ने के लिए भेजा गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब लड़ने के लिए क्या भेजना था, मरने के लिए भेजना था, स्पष्ट था जो जाएगा वो मर जाएगा। इतना होने के बाद केवल 15-20 लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे। उस समय शिष्यों ने कहा कि साहबजादा अजीत सिंह साहबजादा जुझार सिंह इनका आत्मार्पण हुआ ठीक है, लेकिन आपकी बात दूसरी है, आप हमारे नेता हैं, आपने हमको सिखाया, आप पे गुरु आप पे चेला, इस उक्ति के अनुसार अब हमारी बात मानना आपके लिए बाध्य हो जाएगा, आपने हमारी बात माननी चाहिए, आप सुरक्षित बाहर निकलिए, अपने लिए देश के लिए आवश्यक है। ठीक यही बात जैसे बाला साहब ने कहा कि हम स्वयंसेवक के नाते आपको कह रहे हैं, आपको हमारी बात मानना पड़ेगा, यहाँ शिष्यों ने कहा कि आप पे गुरु आप पे चेला, इसी उक्ति के अनुसार हम आपको कह रहे हैं हमारी बात आपने मानना पड़ेगा। अपनी अनिच्छा होते हुए भी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी बात मान ली, अपनी अनिच्छा होते हुए भी श्री गुरु जी ने बाला साहब की बात मान ली और सुरक्षित बाहर आए, वरना हिंदुस्तान का और संघ का इतिहास बदल जाता, ये हम समझ सकते हैं। इतना परस्पर संबंध था, लोगों ने उसको तरह तरह से ये किया। जैसे उन्होंने कहा कि अंडर हिज बिनाइन लीडरशिप आई फंक्शनड एज ए मैनेजर, वास्तव में साइंस ऑफ मैनेजमेंट की शिक्षा दीक्षा न लेते हुए जन्मजात वो मैनेजर थे, जन्मजात। बचपन में शाखा में तो मैनेजमेंट करना ही पड़ता था। एक फिलान्थ्रोपिस्ट डॉक्टर चोलकर, उन्होंने अनाथ विद्यार्थी गृह निकाला। अनाथ विद्यार्थी गृह में स्वाभाविक रूप से उस पुराने नागपुर में, अनाथ विद्यार्थी गृह पुराने नागपुर में था, तो दलित और पिछड़े जाति के अनाथ विद्यार्थी ही आते थे। उन्होंने वसती गृह निकालना था। परम पूजनीय डॉक्टर जी को उन्होंने कहा कि भाई कोई अच्छा कॉम्पिटेंट आदमी दीजिए, वो वसती गृह की मैनेजमेंट करेगा, और कैसे मैनेजमेंट करना है एक बार उसका एक व्यवस्था लगा देगा। बाला साहब की वहां योजना हुई, 2 साल तक उन्होंने ठीक ढंग से व्यवस्था की, अनुशासनबद्ध व्यवस्था की। उसी समय उनका बाकी पिछड़े और दलित लोगों के साथ भी बहुत संबंध आ गया, कि तो अच्छी मैनेजमेंट, इस नाते चोलकर जी ने भी उनको उनका उनकी बहुत प्रशंसा की। आपको आश्चर्य होगा, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि 45-46-47 में उन्होंने एक स्टोर्स भी चलाया, भारत स्टोर्स करके, माननीय मनोहर राव उनके सहयोगी रहे, और भारत स्टोर्स की भी व्यवस्था, वो तो बिजनेस मैनेजमेंट थी, रेगुलर बिजनेस मैनेजमेंट, वो भी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली वो कर सके। वैसे कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनकी जो आनुवंशिक खेती थी, कृषि थी, बालाघाट जिले में कारंजा के पास आमगांव करके गांव है, वहां थी। तो इन्होंने सोचा कि प्रयोग के नाते मैं स्वयं कृषि करूंगा, और उस समय का जो उनका अनुभव है, एक आदर्श कृषक इस नाते उन्होंने काम किया। और उन्होंने उस समय कहा, बाकी तो कृषक आंदोलन में ये बात बहुत बाद में सामने आई, उस समय उन्होंने कहा भाई कृषक को जो कीमतें मिलती है वो कीमतें ठीक नहीं है, हमारे यहाँ हर 3-4 साल में एक बार अकाल आता ही है, माने 2 साल में उसको इतनी कमाई करनी पड़ती है जो 3रे साल भी इस पर वो गुजारा कर सके, यह ध्यान में रखकर कृषि उपज का मूल्य तय होना चाहिए। यह बात उन्होंने उस समय कही जिस समय ये बात उस हवा में नहीं थी। और दूसरी बात कि उनके साथी किसान उनसे नाराज थे कि उनके यहाँ काम करने वाले खेतिहर मजदूर और कारीगर उनको वो पूरी रोजी देते थे,
लोगों ने विरोध किया कि आप पूरी रोजी देते हैं, इसके कारण हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जाती है, हमको भी देना पड़ेगा। बाद साहब ने कहा आप भी दीजिए, ये तो न्याय की बात है। बोले हम नहीं दे सकते, फिर मत दीजिए, लेकिन मैं मेरा क्रम बंद नहीं करूंगा, पूरी रोजी खेतिहर मजदूरों को, कारीगरों को देना, ये उन्होंने चलाया। और इतना होते हुए भी उनकी कृषि एक आदर्श कृषि के नाते रही, तो वहां की भी मैनेजमेंट उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से चलाई थी। विशेष रूप से जब तरुण भारत यह पेपर खरीदा गया तो वह तो उनकी परीक्षा ही थी, उनके ही ऊपर भरोसा रखकर संघ के लोगों ने तय किया था कि ठीक है पेपर खरीदेंगे, क्योंकि पेपर के जो संपादक और मैनेजमेंट के लोग थे वो सब कांग्रेस के लिए अनुकूल ऐसे थे, संघ के लिए कुछ तो विरोधी, कुछ प्रतिकूल, कुछ कम से कम अननुकूल ऐसे लोग थे। और सीधा रास्ता जो था, जो प्राय होता है जब मैनेजमेंट चेंज होती है, कि पुराने लोगों को हटाना, नए अपने लोग वहां लाना, वो भी नहीं करना, ऐसा बाला साहब ने तय किया। और जो पुराना स्टाफ था संपादकीय, जिसमें सामान्य लोग नहीं थे, भाऊ साहेब माड़खोलकर, तात्या साहेब करकरे, ए श्री पटवर्धन, गोविंदराव गोखले, यशवंतराव शास्त्री, माने देवर, ईच वन ऑफ देम वॉज ग्रेट इन हिज ओन राइट इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ऐसे लोग जो संघ के लिए विरोधी, प्रतिकूल या अननुकूल वायुमंडल से वो पेपर लेकर यहाँ आए, किसी को बदला नहीं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाला। जब कभी समय मिलता था तरुण भारत में जाते थे, इन लोगों के साथ बराबरी के नाते बातचीत करते थे, बार बार जाते थे। सब लोगों के मैंने पहले एप्रीहेंशन था, आशंका थी, अरे ये संघ का है, यहाँ डिक्टेटरशिप होगी। उनको आश्चर्य हुआ कि बाला साहब बराबरी के नाते दो दो तीन तीन घंटा उनके साथ चाय पानी खाना पीना करते थे, और होते होते इतना परिवर्तन, ऐसे स्टॉलवर्ट्स में, पुराने लोगों में उन्होंने इतना परिवर्तन लाया, जिसके कारण तरुण भारत अपने लिए अनुकूल इस ढंग से काम कर सका। इस बीच पत्रों की मैनेजमेंट, यह विषय उन्होंने पूरी तरह से हस्तगत किया, और इसके कारण वो बता भी सकते थे, कहीं भी यदि कोई पत्र निकालता है तो भी कैसे निकालना, क्या निकालना, वो सलाह दे सकते थे। उदाहरण के लिए दिल्ली में जब लोगों ने सोचा कि मदरलैंड यह दैनिक पत्र निकालना चाहिए, तो पहले ही उन्होंने वार्निंग दी कि आप पत्र निकालिए, आज आपके पास फाइनेंस है ठीक है, लेकिन पत्र का मॉडल क्या रहे यह तय करें। मैंने कहा मॉडल का क्या मतलब, तो बाला साहब ने कहा कि मदरलैंड का मॉडल नागपुर टाइम्स का होना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये मॉडल लेकर आप मत चलिए। किंतु वो दिल्ली पंजाब का उत्साह था उस समय, उन्होंने दूसरा ही मॉडल लिया और मदरलैंड बंद करना पड़ा, ये हम जानते हैं। तो साइंस ऑफ मैनेजमेंट इस नाते विशेष उनका एक उनकी एक विशेषता हर जगह दिखाई देती है। और इस दृष्टि से उन्होंने जो कहा कि अंडर हिज बिनाइन लीडरशिप आई वॉज फंक्शनिंग एज ए मैनेजर, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों पर उनका ध्यान था, सभी क्षेत्रों पर, और हर क्षेत्र में जहां जहां आवश्यकता स्वयंसेवकों को होती थी वो सहायता करते थे। वो जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र का महत्व है, और इस दृष्टि से जैसे विद्यार्थी क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, किसान क्षेत्र में, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने स्वयंसेवक संघ की रीति नीति पद्धति आदर्शों को लेकर काम करें और एक मॉडल पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लोगों के सामने उपस्थित करें, यह उनका प्रयास रहा। और खासकर यह हम सब जानते हैं कि जब आपातकाल आया उस समय बाकी सारे राजनीतिक दल निष्प्रभ हो गए थे, सारे निष्प्रभ हो गए थे, आरएसएस हैड टू बेयर द ब्रंट। उस समय जो आरएसएस ने किया, इसके कारण कुछ क्षण के लिए सभी राजनेताओं ने संघ की बड़ी प्रशंसा की, संघ के बारे में कृतज्ञता प्रकट की, किंतु कृतज्ञता का भाव ज्यादा देर तक मन में रखना यह राजनीतिक नेतृत्व का स्वभाव नहीं है, इसके कारण वो बात बाद में लोग भूल गए। किंतु उस समय सभी ने, और
अपने संघ के बारे में प्रशंसा और कृतज्ञता का भाव प्रकट किया था। वो सारा जो आपातकालीन संघर्ष था उसका संचालन येरवड़ा जेल में रहते हुए बाड़ा साहब कर रहे थे। लोग जो बाहर थे उनके साथ दिनों प्रतिदिन उनका संपर्क रहता था। बाहर क्या हो रहा है इसकी खबर उनको येरवड़ा जेल में मिलती थी। उनका आदेश क्या है यह बाहर लोगों को हर दिन मालूम होता था। और इस तरह से सारा संचालन वहां किया। येरवड़ा जेल में बाकी लोगों को भी बाड़ा साहब का परिचय हुआ। विभिन्न दलों के लोग थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो भी व्यक्तिगत संपर्क में आए। मुसलमान लोग भी व्यक्तिगत संपर्क में आए और सभी के मन में, बाड़ा साहब के मन में ऐसी एक श्रद्धा हुई, फादर फिगर के नाते उनके मन में श्रद्धा हुई कि ये विभिन्न दलों के नेता भी बाड़ा साहब का चरण स्पर्श करने लगे वापिस जाते समय, मुसलमान लोग भी चरण स्पर्श करने लगे। और जेल के बाहर आने के बाद भी बाड़ा साहब को मिलने वो बहुत दिन आते थे, किंतु हिंदू मुसलमान एकता हो जाएगी तो हमारे मिनिस्टरशिप का क्या होगा, यह चिंता जिनको थी। ऐसे लोगों ने यह व्यवस्था की कि इस तरह का हिंदू मुसलमानों का मिलन नहीं होना चाहिए, तो मुसलमानों में फिर से गलत फहमी फैलाने का काम राजनेताओं ने किया। किंतु इन सब लोगों के मन में बाड़ा साहब के विषय में श्रद्धा का भाव था, यह एक उल्लेखनीय बात ऐसी है। राजनीति का महत्व जानते थे, साथ ही साथ राजनीति की सीमाएं भी जानते थे। खराब लोग शासन में रहे उसके तुलना में अच्छे लोग शासन में रहे तो देश का नुकसान नहीं होगा, यह भी जानते थे। अच्छे लोगों को शासन में लाना चाहिए, यह भी समझते थे। किंतु साथ ही साथ राजसत्ता के द्वारा राष्ट्र निर्माण होगा यह उनका विश्वास नहीं था। राष्ट्र निर्माण जो होगा वह सामाजिक सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर होगा, ऐसा वो मानते थे। और इसके कारण जहां लोकतंत्र के अस्तित्व का ही मामला आया, लोकतंत्र ही खतरे में था उस समय, 1977 के चुनाव में खुलेआम बाड़ा साहब ने घोषणा की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ हमारे लोग काम करेंगे। उस समय जो चार्टर ऑफ डिमांड बनाया गया था उसमें हम क्यों लड़ाई लड़ रहे, उसमें यह क्लॉज नहीं था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैन हटना चाहिए, इसके लिए ये क्लॉज नहीं था, संघ का नाम नहीं था, संस्थागत अभिनिवेश की बात नहीं थी, इंस्टीट्यूशनल ईगो की बात नहीं थी, एक ही था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए। किंतु साथ ही साथ लोकतंत्र को बचाया गया, तानाशाही खत्म हो गई, जिन्होंने शासन चलाना था उनके हाथ में शासन के बागडोर चले गए और फिर से लोगों को चेतावनी के रूप में बाड़ा साहब ने कहा कि राजनीति, राजनीतिक सत्ता, इसका महत्व कितना है और संघ का उसका क्या संबंध है। तो जनता पार्टी शासन में आने के पश्चात दिल्ली में जो रैलीज हुई, उन रैलीज में बाड़ा साहब ने स्पष्ट रूप से एक विषय रखा था। तीन बार यह विषय बाड़ा साहब ने दिल्ली के रैली में रखा जनता पार्टी शासन में आने के बाद, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व, इनके शक्ति का मापदंड राजनैतिक नहीं हो सकता, वह मापदंड सामाजिक सांस्कृतिक ही होना चाहिए, यह विषय तीन बार उन्होंने सामने रखा। तो इस तरह से एक संतुलन था, राजनीति का महत्व भी जानना, साथ ही साथ उसकी सीमाएं जानना, और राष्ट्र निर्माण का कार्य लोक शक्ति के आधार पर होगा, राज्य शक्ति के आधार पर नहीं, यह सारी बातें संतुलित रीति से उन्होंने लोगों के सामने रखी थी। जहां तक सामाजिक समरसता का प्रश्न है, यह बताना आवश्यक है कि संघ की विचार शैली, कार्यशैली, इसकी एक विशेषता है। जैसे मैंने कहा कि विजयादशमी 1925 को जो संघ की स्थापना हुई वो केवल एक रिफ्लेक्स एक्शन के नाते नहीं हुई, एक रिएक्शन के रूप में नहीं हुई। सालों तक परम पूजनीय डॉक्टर जी ने सोच विचार किया था। डॉक्टर जी का सभी समकालीन कार्यों से प्रत्यक्ष संबंध था, सभी देशी विदेशी विचारधाराओं का गहन अध्ययन था। यह सारा करते हुए उनके मन में यह लगता था कि कुछ कमी है, और वो क्या है इसका गहन चिंतन सालों तक उन्होंने किया। उसके बाद संघ की स्थापना हुई, उनका बायफोकल विजन हो गया था। बायफोकल विजन आप जानते हैं कि नीचे पढ़ने का होता है, ऊपर का दूर का देखने का होता है।
तो उनका बायफोकल विजन हो गया था, नीचे के चश्मे से दिखता था कि तात्कालिक लक्ष्य क्या है, इमीडिएट ऑब्जेक्ट वह स्वराज्य है, और ऊपर से इससे दिखता था कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, वह है परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। इस ढंग से कार्य की रचना की, और इस कार्य की रचना में सारी जो योजना थी बहुत लंबी योजना थी। आज जो एकदम लोग संस्थाएं खड़ी करते ऐसा नहीं था, गहन चिंतन का परिणाम था, और इस दृष्टि से आगे क्या होगा इसका पूरा विचार डॉक्टर जी के सामने था, यहां वो सारा विषय लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस दृष्टि से जो ही नया नया कार्य दिखा लोगों को, बाहर के लोगों ने तो यह कहा कि वे अब संघ के लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी आए, मजदूर क्षेत्र में भी आए, और किसी क्षेत्र में भी, ऐसा कहा। वास्तव में यह पूर्व योजना थी, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे दुकानों की संख्या बढ़ेगी, कैपिटल के इंटरेस्ट पर दुकानों की संख्या बढ़ानी है, पहले से योजना थी। और भी नई संस्थाएं हमारे संयोजक निर्माण करेंगे, किंतु पूर्व योजना के अनुसार यह सारा चला। और यह सारा जो पूर्व योजना के अनुसार चल रहा, तो इसमें एक शैली इस नाते, जैसे मैंने कहा कि फलानुमेय यह प्रारंभ, यह विचार शैली होने के कारण पहले से डिक्लेयर नहीं हुआ, सभी बातें प्रारंभ में थी, एकदम सारा मैनिफेस्टो घोषित नहीं हुआ, धीरे धीरे प्रस्फुटीकरण हुआ, उसको प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कहना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट धीरे धीरे होता गया। उदाहरण के लिए गोहत्या निरोध, संघ के स्थापना के पूर्व से डॉक्टर जी का यह एक आर्टिकल ऑफ फेथ था, संगत का तो था ही, किंतु उसको समय की आवश्यकता के अनुसार विशेष आग्रह, जिसको थ्रस्ट कहते हैं, इस रूप में परम पूज्य गुरु जी के कालखंड में आया, जब गोहत्या निरोध आंदोलन हुआ। स्वदेशी, अभी स्वदेशी जागरण मंच के नाम से काम चल रहा, किंतु स्वदेशी का आग्रह पहले से रहा, यहां तक कि नागपुर में जो स्वदेशी भंडार चलता था वहां काउंटर पर बहुत समय तक डॉक्टर हेडगेवार जी भी बैठते थे, पहले से स्वदेशी का आग्रह रहा, किंतु विशेष आग्रह थ्रस्ट के रूप में परिस्थिति की आवश्यकता के अनुकूल इस समय स्वदेशी जागरण मंच के रूप में आया। वैसे ही सामाजिक समरसता या प्रारंभ से ही था, जब मैंने कहा कि बाला साहब बाल स्वयंसेवक थे, उस समय अपने कर्मठ परिवार के रसोई घर में दलित स्वयंसेवक बंधुओं को ले जाते थे, सामाजिक समरसता छोड़कर और क्या था। स्वयं डॉक्टर जी के जीवन में आता है, मेरे गांव में, आरवी मेरा गांव है, एक जरठ युवती विवाह उस युवती के मामा ने पैसे के लालच में आकर तय किया था। डॉक्टर जी को पता चला, उनको बात बर्दाश्त नहीं हुई, वो आए, उन्होंने देखा कि वो विवाह नहीं होता, वो विवाह तोड़ा और उसी युवती का दूसरे अनुरूप वर के साथ, युवक के साथ उन्होंने विवाह करवा दिया। उसकी प्रसिद्धि नहीं की, आजकल मॉडर्न फैशन जो है प्रोपेगंडा इमेज बिल्डिंग की, थोड़ा सा काम करना बहुत प्रसिद्धि करना, ऐसा नहीं। लेकिन यह जो है सामाजिक कुरीति का विरोध, चाहे दहेज रहे, चाहे बाल विवाह रहे, चाहे दहेज बलि की प्रथा रहे, सभी बातों का ये मूल से है, किंतु इसका एक प्रोपेगंडा के रूप में कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि प्रोपेगंडा करते जाना, काम कुछ नहीं करना, ऐसी अपनी पद्धति नहीं रही। तो सामाजिक समरसता पहले से थी, लोगों ने खासकर महाराष्ट्र के एक ऐसा वायुमंडल निर्माण किया, और हमारे विजय गिरकर ने उसका उल्लेख भी किया कि गुरुजी और बाला साहब दो ध्रुव के समान, एक बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, एक बिल्कुल प्रोग्रेसिव। गलत बात। बहुत पहले 7 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र में एक सुप्रसिद्ध अंतर जातीय विवाह हुआ, नवले करपे विवाह, ऐसा जो विवाह था अंतर जातीय था। उस अंतर जातीय विवाह के लिए शुभेच्छा और आशीर्वाद भेजने वालों में महात्मा गांधी और सावरकर जी के साथ श्री गुरु जी का भी आशीर्वाद और शुभ संदेश उस मैरिज के लिए था, जो उन्होंने ही सारा छपवाया था। 1945 7 अक्टूबर की बात। इतना है कि प्रोग्रेसिव लोगों के समान उसका डिंडिम बजाना यह अपने पद्धति में नहीं है। तो सिद्धांत मूल से, लेकिन परिस्थिति के आवश्यकता के अनुकूल और थ्रस्ट के रूप में देना, ये काम बाला साहब के समय हुआ, और वो उन्होंने बहुत ही सक्षमता के साथ किया, यह हम जानते हैं।
हम जानते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी बाड़ा साहब ने इतना संतुलन भी रखा, आग्रह भी छोड़ा नहीं। सवर्ण लोगों को बताया कि तुमने दशकों तक शतकों तक दलित बंधुओं के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और जब पहली बार वो आरक्षण का सवाल खड़ा हुआ था, अभी तो आरक्षण के सवाल ने केवल पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया है, पहली बार जो आरक्षण का सवाल खड़ा हुआ था उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरक्षण के बारे में सोचते समय हरेक सवर्ण हिंदू ने मन में यह कल्पना करनी चाहिए कि मैं यदि उस दलित जाति में मेरा जन्म होता जिस दलित जाति पर शतकों तक अन्याय हुआ है, तो मेरी मनस्थिति क्या होती, मेरी प्रतिक्रिया क्या होती, यह कल्पना मन में करते हुए फिर आरक्षण के प्रश्नों पर विचार करो, ऐसा उन्होंने उस समय कहा। सभी सामाजिक प्रश्नों के बारे में अभी वसंत व्याख्यान माला का जो उनका भाषण है उसका भी उल्लेख हुआ। राष्ट्र सेविका समिति का अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में था, उस समय अंतर जातीय विवाह का उन्होंने प्रतिपादन किया। दहेज वगैरह कुरीतियों के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे और सामाजिक समरसता यह विषय उनके मन में कितना था। सरसंघचालक बने, ऑफिशियली घोषित ही हुआ था, परम पूज्य गुरु जी ने लिखा था कि तृतीय सरसंघचालक यानी मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बाला साहब देवरस, किंतु ऑफिशियली सरसंघचालक पद का ग्रहण करना तो मासिक श्राद्ध के समय वह होने वाला था। ऑफिशियली सरसंघचालक पद ग्रहण करने के लिए जाते समय मंच पर जाने के पहले महात्मा फुले इनके प्रतिमा को पुष्पहार समर्पण किया, उनको वंदन किया, उनका आशीर्वाद लेकर फिर मंच पर गए और फिर वहां सरसंघचालक पद का उन्होंने ग्रहण घोषित किया। दिखाता है कि किस तरह से उनके मन में इस विषय में एकात्मता थी। यह एकात्मता जो जो राष्ट्र पुरुष है सबके मन में रही। अभी जो कहा विजय गिरकर ने डॉक्टर आंबेडकर की बात, पाश्चात्य देशों में सिद्धांत त्रयी का बोलबाला है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, स्वातंत्र्य समता बंधुता। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि मैं इन सिद्धांत त्रयी को मैं मानता हूं, किंतु ऐसा कोई न समझे कि मैंने ये सिद्धांत त्रयी फ्रेंच राज्य क्रांति से उठाई है। नहीं, मेरी प्रेरणा फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं, ये सिद्धांत त्रयी मैंने मेरे गुरु भगवान बुद्ध से उठाई है। और जहां तक पाश्चात्य देशों का सवाल है, पूजनीय आंबेडकर जी ने कहा कि पाश्चात्य देश तो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। घोषणा की स्वातंत्र समता बंधुता, स्वातंत्र की स्थापना की तो समता बिगड़ गई, समता की स्थापना करने गए तो स्वातंत्र खत्म हो गया, स्वातंत्र और समता दोनों एक साथ नहीं चला सके। और इसका कारण आंबेडकर जी ने कहा, इसका कारण यह है कि तीसरा जो फैक्टर था बंधुता, इसका उदय ही नहीं हुआ, इसका निर्माण ही नहीं हुआ। और उन्होंने साफ कहा कि जब तक बंधुता निर्माण नहीं होती तब तक स्वातंत्र और समता दोनों साथ साथ जिंदा नहीं रह सकते। और फिर उन्होंने कहा कि इसी बंधुता को मैं धर्म यह संज्ञा देता हूं, ऐसा पूजनीय आंबेडकर जी ने कहा, जिसको उन्होंने धर्म यह संज्ञा दी, जिसको बंधुता ऐसा उन्होंने कहा, वही अभिप्राय समरसता इस शब्द का पूजनीय बाला साहब देवरस का है। तो यह संदेश सभी राष्ट्र पुरुषों ने दिया हुआ है, बिल्कुल महात्मा फुले हो, आंबेडकर जी हो, शाहू छत्रपति हो, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, स्वामी दयानंद जी, लाला हंसराज जी, स्वामी श्रद्धानंद जी हो, गुरुदेव नारायण गुरु स्वामी केरला के हो, सभी लोगों ने यह समरसता का संदेश दिया। लोग भूल जाते हैं, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट, उसको फिर से उज्जवल करने के लिए हमारे माननीय शेषाद्री जी ने कहा कि बाला साहब के स्मृति में यह जो मासिक स्मृति दिन होगा, सामाजिक समरसता दिन, इस नाते हमने मनाना चाहिए। तो सभी लोगों की यह जो परंपरा है उसी परंपरा में सामाजिक समरसता का संदेश पूजनीय बाला साहब देवरस का है, इसको हम ध्यान में रखें।
और यहाँ से जाते समय हम निश्चय करें कि यह सामाजिक समरसता हम अपने जीवन में लाएंगे और इसका संदेश जहाँ जहाँ हमारा प्रवेश है ऐसे सब लोगों को यह संदेश पहुँचाएंगे। इतना हम प्रण करें, इतना ही इस समय कहना पर्याप्त है। सभी खड़े रहेंगे। वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम्, वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर्धृत कर कर भाले, के बोले मा तुमि अबले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम् मातरम्, वंदे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तोमारै प्रतिमा गडि मन्दिरे मन्दिरे मातरम्, वंदे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम्, वंदे मातरम्। श्यामलाम सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। भारत माता की जय।